Tag TV brings you daily news bulletin from Pakistan. Breaking news, views and headlines from Pakistan. Tag TV के पाकिस्तान स्टूडियो में आपको कहेंगे खुशामदीद। एक चाइना से अभी तक कोरोना केस पाकिस्तान में नहीं आया। किसी जर्नैल से सवाल पूछो तो कौमी सलामती के ऊपर हमला। अब मैंने इनके पीछे जाना, अपना ना लायकी को छुपाना, अपना मुआशी दहशत गर्दी को छुपाना। तो उम्मा के मुहाफिजों ने बहुत सी इन्वेस्टमेंट कर रखी है वहाँ। डू नॉट लिव इन अ फूल्स पैराडाइज। बुशरा खान, सारा तना कादिर, कौकब फारूकी, नर्गिस ज़ुल्फ़िकार, तूबा शकील, टैग टीवी पाकिस्तान। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, टैग टीवी के पाकिस्तान स्टूडियो के साथ मैं हूँ रुखसार शहज़ा। सबसे पहले शामिल करते हैं न्यूज़ हेडलाइंस। कौमी सलामती कमेटी ने पहली नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी की मंजूरी दे दी। वज़ीर आज़म का कहना है कि मुल्क की पहली कौमी सलामती पॉलिसी की तैयारी और मंजूरी एक तारीखी इकदाम है। मुल्क का तहफ़ शहरियों के तहफ़ से मुंसलिक है। भारतीय नाज़िम उल उमूर की दफ्तर खारजा तलबी, मुसलमानों की नस्ल कशी मुहिम पर शदीद एहतजाज। तर्जुमान दफ्तर खारजा का कहना है कि बीजेपी आरएसएस हुकूमत में मुसलमानों के खिलाफ जहरीला प्रोपेगेंडा मामूल बन चुका है। भारतीय हुकूमत ने नफरत अंगेज तकरीर करने वालों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में बारिश और बर्फबारी के बाद मौसम मजीद सर्द। कराची में कम से कम दर्ज हरारत 15 डिग्री सेंटीग्रेड रहने का इम्कान। इस्लामाबाद में गुज़िश्ता रात से सुबह तक वक्फे वक्फे से बारिश। जियाले तैयारी पकड़ें, कठपुतली के खिलाफ अबवार करने और ऐलान करने का वक्त आ गया है। बिलावल भुट्टो का कहना है कि आवाम सिलेक्टेड राज भुगत रहे हैं और इस नाहल का बोझ उठा रहे हैं। लाहौर को हम अपना बेस कैंप बनाएंगे। ग्रीनिश हैंड सैनिटाइजर ना ऑयली ना स्टिकी ना बदबू और मुकम्मल अब्सॉर्प्शन, और हाथ नर्म मुलायम और साफ। आज ही अपनी करीबी फार्मेसी से खरीदें या हमारी वेबसाइट पर ऑर्डर करें www.greenish.com। हेडलाइंस आपने जानी और अब खबरें तफसील के साथ। वज़ीर आज़म इमरान खान की ज़ेर सदारत कौमी सलामती कमेटी के होने वाले इजलास में पहली नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी की मंजूरी दे दी गई। मज़ीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की ज़ेर सदारत कौमी सलामती कमेटी का इजलास मुनक़िद हुआ। ज़राए के मुताबिक मुशीर कौमी सलामती मुईद यूसुफ ने नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी के मुसव्वदे पर ब्रीफिंग दी। बाद अज़ां पहली नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी की मंजूरी दे दी गई। ये पॉलिसी कल काबीना के इजलास में पेश की जाएगी। इजलास में वफाकी वज़रा, अस्करी क़यादत, दीगर आला हुक्काम, वज़ीर दाखला शेख रशीद, वज़ीर इत्तिलात फवाद चौधरी और मुशीर कौमी सलामती मुईद यूसुफ शरीक हुए। ज़राए के मुताबिक कौमी सलामती कमेटी के इजलास में अफगानिस्तान की सूरत हाल और दीगर सिक्योरिटी मामलात पर भी गौर किया गया। इजलास में गुफ्तगू करते हुए वज़ीर आज़म ने कहा कि मुल्क का तहफ़ शहरियों के तहफ़ से मुंसलिक है। पाकिस्तान किसी भी दाखिली और खारजी खतरा से नबरद आजमा होने की पूरी सलाहियत रखता है। मुल्क की पहली कौमी सलामती पॉलिसी की तैयारी और मंजूरी एक तारीखी इकदाम है। वज़ीर आज़म ने कौमी सलामती मुशीर को पॉलिसी पर अमल दरामद के लिए महाना रिपोर्ट पेश करने की हिदायत करते हुए कहा कि कौमी सलामती डिवीज़न और तमाम मुतालिका इदारों की काविशें लायक तहसीन हैं। पॉलिसी पर मौसर अमल दरामद के लिए तमाम इदारे मरबूत हिकमत अमली अपनाएं। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में बारिश और बर्फबारी के बाद मौसम मजीद सर्द हो गया है। महकमा मौसमियात के मुताबिक कराची में बहुत ज़्यादा सर्दी का कोई इम्कान नहीं। इस हवाले से मजीद जानते हैं। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में बारिश और बर्फबारी के बाद मौसम मजीद सर्द हो गया है। इस्लामाबाद में गुज़िश्ता रात से सुबह तक वक्फे वक्फे से बारिश हुई, जबकि लाहौर धुंध की लपेट में है। जबकि मरी, वादी ज़ियारत, लोयदीर, नारान और काहान में बर्फबारी और यख बस्ता हवाओं के बायस दर्जा हरारत मजीद गिर गया। मुजफ्फराबाद, वादी नीलम, वादी जहलम और वादी लीपा समेत आज़ाद कश्मीर के मुख्तलिफ हिस्सों में भी बारिश और वक्फे वक्फे से बर्फबारी का सिलसिला जारी है। अगले 24 घंटों में कम से कम दर्जा हरारत लैया में -12 डिग्री सेंटीग्रेड रहने का इम्कान है। इसकर्दू में -6, हुंजा और अस्तूर में -5, मालम जब्बा में -4, चित्राल और मरी में -3, कोयटा में -2, इस्लामाबाद और लाहौर में 5, पिशावर में 7 और कराची में कम से कम दर्जा हरारत 15 डिग्री सेंटीग्रेड रहने का इम्कान है।
दूसरी जानिब कराची से मुतालिक चीफ मेट सरदार सरफराज का कहना है कि कराची में ज्यादा सर्दी नहीं आएगी, दर्जा हरारत सिंगल डिजिट में आने का इम्कान नहीं, पूरे मुल्क से साइबेरियन हवाएं हटी हुई हैं। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा है कि जियाले तैयारी पकड़ें, कठपुतली के खिलाफ अबवार करने और ऐलान करने का वक्त आ गया है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा है कि जियाले तैयारी पकड़ें, कठपुतली के खिलाफ अबवार करने और ऐलान करने का वक्त आ गया है। बेनजीर भुट्टो की 14वीं बरसी पर घड़ी खुदाबख्श में जलसे से खिताब करते हुए बिलावल भुट्टो ने कहा कि शहीद बीबी आपका पाकिस्तान मुश्किल में है, आवाम सिलेक्टेड राज भुगत रहे हैं और इस ना अहल का बोझ उठा रहे हैं। बिलावल भुट्टो ने कहा कि हमने कहा था जमहूरियत बेहतरीन इंतकाम है, हमने पार्लियामेंट को तमाम इख्तियारात दिए लेकिन जमहूरियत पर हमले होते रहे और नुकसान पहुंचता रहा। इलेक्शन पर डाका डालने के लिए कभी किसी चौधरी को इस्तेमाल किया गया, कभी किसी निसार को। बिलावल भुट्टो का कहना था कि पीपल्स पार्टी डील की सियासत पर यकीन नहीं करती, जबकि मौजूदा हुक्मरान सदर वजीर आजम दहशतगर्दों से डील के लिए भीख मांग रहे हैं, दहशतगर्दों ने उन्हें जवाब दे दिया है। बिलावल ने कहा कि जियाले तैयारी करें, कठपुतली के जाने में देर नहीं है, इस कठपुतली के खिलाफ अबवार करने और ऐलान करने का वक्त आ गया है। 18वीं तरमीम के सूरत में बहाल कर दिया था, हमने पार्लियामेंट को सारे पावर्स दिए थे, मगर कभी कोई आरओ इलेक्शन तो कभी कोई आरटीएस का इलेक्शन, कभी किसी चौधरी को इस्तेमाल किया गया तो कभी किसी निसार को इस्तेमाल किया गया और जमहूरियत पे हमले होते रहे, जमहूरियत को नुकसान पहुंचाता रहा, अवाम के वोट पे डाका मारा गया। पीपल्स पार्टी की सीईसी का इजलास 5 जनवरी को लाहौर में होगा, लाहौर को हम अपना बेस कैंप बनाएंगे। मजीद खबरें भी बुलेटिन का हिस्सा होंगी मगर इस ब्रेक के बाद। टैग टीवी ब्रिंग्स यू डेली न्यूज बुलेटिन फ्रॉम पाकिस्तान, ब्रेकिंग न्यूज, व्यूज एंड हेडलाइंस फ्रॉम पाकिस्तान। टैग टीवी के पाकिस्तान स्टूडियो में आपको कहेंगे खुशामदीद। एक चाइना से अभी तक कोरोना केस पाकिस्तान में नहीं आया। किसी जर्नैल से सवाल पूछो तो कौमी सलामती के ऊपर हमला। अब मैंने इनके पीछे जाना, अपना ना लायकी को छुपाना, अपना मुआशी दहशत गर्दी को छुपाना। तो उम्मा के मुहाफिजों ने बहुत सी इन्वेस्टमेंट कर रखी है वहाँ। डू नॉट लिव इन अ फूल्स पैराडाइज। बुशरा खान, तारा आदम, कौकब फारूकी, नर्जिस ज़ुल्फिकार, तूबा शकील, टैग टीवी पाकिस्तान।